आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एक ऐसे ड्रग के बारे में देखने वाले हैं जो हमारी इमरजेंसी किट का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम जानने वाले हैं अमियोडेरोन के बारे में, जिसे हम कार्डेरॉन ये नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ, और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमियोडेरोन ये जो ड्रग है ये एक एंटी अरिदमिक है, मतलब जो अरिदमियाज होते हैं, जो रिदम डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसमें ये जो ड्रग है ये यूज़ किया जाता है। ये जो ड्रग है ये क्लास 3 एंटी अरिदमिक है। तो जो भी एंटी अरिदमिक ड्रग्स है इनके अलग अलग क्लासेस किए गए हैं, उसमें जो क्लास 3 है इसमें ये ड्रग आता है। तो उसकी एक्शन क्या है, तो इसकी मेन एक्शन जो है, इट इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब दो स्टिमुलस के बीच में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, मतलब ये जो पीरियड है ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे दूसरा कोई नया स्टिमुलस एक्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसे ये ड्रग बढ़ाता है, और इसके कारण जो अरिदमियाज है वो कंट्रोल हो जाते हैं। ये जो ड्रग है ये एक मल्टी चैनल ब्लॉकर है, मतलब ये जो सोडियम चैनल्स है इसे भी ब्लॉक करता है, पोटेशियम चैनल जो है इसे भी ये ड्रग ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल्स को भी ये ड्रग ब्लॉक करता है, और ये जो ड्रग है ये बीटा जो रिसेप्टर्स है इसे भी ब्लॉक करता है। इसलिए ये जो ड्रग है इसे मल्टी चैनल ब्लॉकर कहते हैं। अब ये जो ड्रग है ये आईवी फॉर्म और टैबलेट फॉर्म ऐसे दोनों इसमें दे सकते हैं। तो टैबलेट फॉर्म में ये 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की टैबलेट में अवेलेबल रहता है, और इंजेक्शन फॉर्म में ये 3 ml के एम्प्यूल में रहता है, और वो 3 ml में 150 मिलीग्राम ड्रग रहता है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हम अगर देखेंगे तो इसमें के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऐसे है कि जब ये ड्रग ओरली दिया जाता है तो इसका जो ऑनसेट है वो बहुत ही स्लो है, मतलब इसका इफ़ेक्ट आने के लिए कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। इसका मेन कारण ऐसा है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ये बहुत कम है, मतलब 30% ही है, और इसका जो गट में से जो एब्सॉर्प्शन होता है वो भी बहुत स्लो एब्सॉर्ब होता है। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जब भी हम इमरजेंसी में ये ड्रग यूज़ करते हैं तो हम इसे टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑनसेट है ये बहुत ही स्लो रहता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब इसका जो टी हाफ है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 to 8 weeks है। वो इसलिए क्योंकि ये जो ड्रग है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है। तो इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जब भी ये ड्रग स्टॉप किया जाता है तो इसका इफ़ेक्ट जाने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं। तो ये हो गया इसके इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या रहते हैं। तो ये जो ड्रग है इसका मेन इम्पॉर्टेंस ऐसा है कि ये ड्रग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिदमिक है। जिस प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स रहते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ये हर प्रकार के बैक्टीरिया पे काम करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एरोबिक, अनएरोबिक, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम एंटीबायोटिक कहते हैं। उसी प्रकार ये जो ड्रग है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिदमिक्स है, वो इसलिए क्योंकि सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर ऐसे जो दोनों टाइप के जो टैकी अरिदमियाज है इसमें यह ड्रग काम करता है, और इसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है रेजिस्टेंट वीटी, जो रेजिस्टेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जो कोई भी ड्रग को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसमें खासकर ये ड्रग दिया जाता है, और रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये भी जो कंडीशन है इसमें भी ये जो ड्रग है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इसके मेन इंडिकेशन है, रेजिस्टेंट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब ये जो ड्रग हम जब देते हैं तो इसके दो प्रकार रहते हैं, एक तो एक्यूट कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं,
या एज अ क्रोनिक प्रोफिलेक्सिस करके हम ये ड्रग को दे सकते हैं। तो जब भी ये ड्रग हम एक्यूट कंडीशन में देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट सुप्राविंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आ गया है, तो पहले क्या करते हैं, इसमें लोडिंग डोज दिया जाता है और ये रहता है 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम जो ड्रग है ये पेशेंट को लोडिंग दिया जाता है एज एन आईवी, और उसके बाद इन्फ्यूजन में 900 मिलीग्राम जो ड्रग है वो दिया जाता है ओवर 24 आवर्स। मतलब यहाँ जो हिसाब है ये 1200 मिलीग्राम का है, तो 1200 मिलीग्राम जो है इसमें के जो 300 मिलीग्राम है वो एज अ लोडिंग डोज देना है और बचे हुए जो 900 मिलीग्राम है वो एज एन इन्फ्यूजन देना है ओवर 24 आवर्स। और जब ये ड्रग एज अ प्रोफिलेक्सिस के लिए हम यूज़ किए करते हैं, तो शुरुआत में ये दो ड्रग दिया जाता है 400 मिलीग्राम टू 600 मिलीग्राम पर डे। कुछ इनिशियल जो फर्स्ट वन और टू वीक्स रहते हैं उसमें ये हम ज़्यादा डोज में देते हैं, क्योंकि इसका हमने पहले ही देखा था कि इसका जो ऑनसेट है वो बहुत स्लो है, इसलिए हम शुरुआत में ज़्यादा ड्रग देते हैं और उसके बाद फिर इसका जो डोज है वो कम किया जाता है और 100 टू 200 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है फॉर मेंटेनेंस। अगर पेशेंट को हमने शुरुआत में ही आईवी दे दिया है, तो उसके बाद जब हम पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी पे रखते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट फिर 100 टू 200 मिलीग्राम पर डे पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो ड्रग है ये पेशेंट को दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऐसे है कि जब हम ये ड्रग खासकर आईवी देते हैं तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है या ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, मतलब पेशेंट का बीपी कम हो सकता है या उसका हार्ट रेट भी कम हो सकता है। तो इसका जो मेन कारण है वो है मायोकार्डियल डिप्रेशन, जो हार्ट है इस पर इसका डिप्रेसेंट एक्शन रहता है। फिर इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम ड्रग बंद कर देते हैं तो ये न्यूरोपैथी जो है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। साथ में ये ड्रग हम जब देते हैं तो नौशिया हो सकता है या हेपेटाइटिस, मतलब लीवर पे भी सूजन आ सकती है। इसका और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब जो हमारे लंग्स है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये खासकर तब होता है जब इसका जो डोज है वो 200 मिलीग्राम पर डे से हम ज़्यादा पेशेंट को देते हैं। फिर पेशेंट में स्किन पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं और कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स, मतलब हमारा जो आँख में कॉर्निया रहता है उसमें माइक्रो डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, और ये ड्रग के कारण हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। इसका मेन कारण है क्योंकि ये जो ड्रग है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है इसमें आयोडीन रहता है, और ये आयोडीन के कारण पेशेंट को हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये जो ड्रग है इसके कुछ इंटरैक्शंस भी है। ऐसे जो ड्रग्स है जो हार्ट रेट कम करते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया या वेरापामिल हो गया, इसके साथ अगर ये ड्रग हमने दिया तो कार्डियक डिप्रेशन होके पेशेंट को और ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया या फिर उसका बीपी कम हो सकता है, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है। और दूसरा, जब पेशेंट को डिगॉक्सिन या फिर वॉरफेरिन चालू रहता है तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है, ये ड्रग्स का रीनल क्लियरेंस, मतलब उसका जो एक्सक्रीशन है वो कम कर देता है, जिसके कारण इनकी जो लेवल्स है वो बढ़ जाती है और इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये ड्रग खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन के जो पेशेंट्स है उसमें दिए जाते हैं, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन में हम कार्डरॉन भी दे सकते हैं और साथ में ये ड्रग भी शुरू रह सकते हैं, तो वहाँ पर हमने खासकर इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का जो वीडियो है इसमें हमने अमियोडेरोन या कार्डरॉन, ये जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल जाए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो दर्शक है ये चैनल पर वीडियोज़ देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका ज़रूर आपको फ़ायदा निश्चित होगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।